हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। PGII आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. अभी तो खबर यह है कि राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम के लिए निकल चुके हैं और तस्वीरें आई हैं जो कल डिनर हुआ था और वहां पर किस तरीके से सब लोगों को होस्ट किया गया भारत के द्वारा। जो भोज था जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष थे, एक बहुत ही सफल शिखर सम्मेलन डिक्लेरेशन, उसके बाद ये जिस तरीके से लोगों ने वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की है, ये अपने आप में दिखा रहा है कि भारत ने किस तरीके से इस प्रेसिडेंसी को एक अलग ही लेवल पर ले गया। बिल्कुल, और भारत तो G20 को लेकर जो भी देखेंगे आप, कहीं पर भी पोस्टर बैनर, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही थी, वो इस पूरे G20 में से साफ निकल कर आ रही है और अब दुनिया के तमाम लीडर्स इस बात पर सहमत होते हुए भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम के लिए निकल चुके हैं, मंत्री राजीव चंद्रशेखर उनको गए उनके साथ एयरपोर्ट पर, और अब वो राष्ट्रपति बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम पहुंचेंगे और वियतनाम में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वियतनाम में राष्ट्रपति बाइडेन G20 के बाद जाकर क्या कहते हैं, ये अपने आप में बहुत अहम होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर उनको 9/11 के समारोह के लिए अमेरिका पहुँचना है। बिल्कुल, देखिए अभी कई सारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक्सपेक्टेड हैं आज ही, और बताया जा रहा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि वो शायद जल्दी में थे इसलिए नॉर्मली इधर 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 ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें देखिए जो मीटिंग शुरू होनी है थर्ड समिट, इसमें ये अहम ये है कि राष्ट्रपति जोको विडोडो, फिर प्रधानमंत्री मोदी, फिर लूला डा सिल्वा, यानी कि वो देखिए जोको विडोडो इधर हैं, हैंडओवर है। जोको विडोडो पिछले अध्यक्ष थे, इंडोनेशिया पिछला अध्यक्ष था G20 का, उसके बाद अब भारत है और भारत के बाद अब ब्राजील होगा।
तो ये तीसरे सत्र की वन फ्यूचर की लाइव तस्वीरें हैं, जिसमें आप इसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दाईं तरफ यानी आपकी स्क्रीन्स में बाईं तरफ जोको विडोडो बैठे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के बाईं तरफ यानी हमारी स्क्रीन पर दाईं तरफ लूला सिल्वा है। तो ये एक तरफ जोको विडोडो इंडोनेशिया, दूसरी तरफ लूला सिल्वा ब्राजील, दिखाता हुआ कि अब अगला अध्यक्ष ब्राजील होगा। और ब्राजील के लिए जिस तरीके से हम भारत की प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे, वो ब्राजील के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है कि इतना एक तो बहुत ही सफल समिट, उसमें डिक्लेरेशन और जिस तरह का आयोजन है, और G20 को जिस लेवल पर ले गए हैं भारत। सफलता इस वजह से क्योंकि जिस तरीके का इस वक्त वैश्विक हालात बने हुए हैं, वॉर भी है, मंदी भी है, हर तरीके से, ऐसे में एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे एक साथ आना, 100% कंसेंसस बनना और उसके बाद डिक्लेरेशन भी होना, जिसको लेकर कहा जाता है कि नहीं आएंगे, तो ऐसे में ये एक सही में ब्राज़ील के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस तरीके का बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा से लेकर हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है, और ऐसे में जो भव्यता यहाँ पे वो देख के जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसको मैच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब देखना होगा कि क्या वाकई मैच कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन ये सफल समारोह जो कि अभी तक हुआ है, ये जरूर काफी लंबे समय तक याद रहने भी वाला है, क्योंकि इसने G20 को, ये कहना शायद अब गलत नहीं होगा, G20 को एस्टैब्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर, या अंतर्राष्ट्रीय जो एक फोरम जो पिछली सदी में UN था, और उसके बाद फिर UN क्यों उस तरह का फोरम नहीं बन पाया, उसकी कई वजह रही, वो जो कोल्ड वॉर थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक और पश्चिम की, उसके बीच में UN का अहम रोल था। अब जो जिस तरह का विश्व है, जैसा वैश्विक परिदृश्य है, उसमें इन 20 देशों का, जिसमें क्योंकि ग्लोबल साउथ भी है, वो विकासशील देश जो अगुवाई कर रहे हैं कम विकसित देशों की, वो विकासशील देश जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ये वो विकासशील देश हैं जो कम विकसित देश हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विकसित देश हैं जो जिनको इन कम विकसित देशों का न सिर्फ बाजार की ज़रूरत है, बल्कि इनसे कई तरह के और भी ताल्लुकात रखने हैं। तो ये और इसी में रूस भी है, चीन भी है, अमेरिका भी है। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग नॉर्मल स्थिति की बात करें, तो पहले क्या होता था, पहले आउटसोर्स बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से जो छोटे देश हैं या मध्यम देश हैं उनको रोज़गार मिलता था, वो किसी भी तरीके से वो आश्रित होते थे बड़े विकसित देशों के ऊपर। अब क्या हो रहा है, तकनीक की क्रांति के बाद हर वो छोटा देश, उसको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, उस कैपेबिलिटी को एक पावर के तौर पर यूज़ करके अब उन बड़े विकसित देशों के साथ अब जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अब हम लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप तरह से ये देखें ना, GDP का, अगर दुनिया की GDP की बात करें तो 85% यहाँ है इन 20 देशों में, 85% दुनिया की GDP इन 20 देशों में है। तो अब ये 20 देशों का ब्लॉक, ये जो अपनी डिस्कशन करेगा, ये जब, और UN में भी ये 20 देश जो हैं वो UN की भी सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जो संयुक्त राष्ट्र की एक तरह से ताकत थी, जो संयुक्त राष्ट्र का मंच था पिछली सदी में, वो अब G20 का मंच हो गया, और दिल्ली की के शिखर सम्मेलन ने इसकी अहमियत को बिल्कुल रेखांकित कर दिया कि अगर वॉर है इसमें दुनिया में, अगर वॉर का संकट है, जैसे जो यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो उसमें से बीच का रास्ता कैसे निकालना है कि एक तो ये वॉर न सिर्फ बंद हो, बल्कि इस वॉर के जो दुष्परिणाम हैं वो ज़्यादा देशों तक न जाएं, तो कैसा रास्ता निकालना है, वो इस G20 ने दिखाया। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो चुनौतियाँ बन रही हैं उसमें आगे कैसे बढ़ना है, तो वो इस G20 ने दिखाया। अगर कम विकसित देशों को फंडिंग करनी है, उसमें IMF और वर्ल्ड बैंक को कैसे सुदृढ़ करना है, ताकि चाइना की तरह चाइना जैसा देश दूसरे देशों का फ़ायदा ना उठाए, वो इसने दिखाया। और अब ये रूट भारत, मतलब अगर चाइना जो अपना रूट बना रहा था तो सिर्फ एक देश का रूट हो जाता, अब ये इधर अमेरिका का और भारत का ये दूसरा रूट, जिसमें यूरोप
से भारत से लेकर यूरोप तक पश्चिम एशिया से होते हुए रूट की बात हो रही है, जिसमें जो भी जितने अड़चन वाले देश थे, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, उसको बाईपास करते हुए समुद्र के रास्ते यूरोप जाके उसको भारत को यूरोप से जोड़ने वाला नया स्पाइस रूट जो है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हो रही हैं G20 में, तो G20 कितना अहम हो गया है ये समझिए।